सभी इकतालीस मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं ये बड़ी खबर खुशी की ऐसी खबर जिससे पूरा देश झूम रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज जस्ट स्पोकन टू दोज रेस्क्यूड वर्कर्स ऑन द फोन एंड ऑल्सो देम फॉर द इंडोरेंस द करेज क्या शुरू नाम आपका सभा मत बोल रहा हूँ सर से पहले तो मैं सभी आपके साथ आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा सेल क्यारा टनल जो उत्तरकाशी में था उससे सारे के सारे जो हमारे भाई वहां पे फंसे हुए थे वर्कर्स वहां पे फंसे हुए थे उनको निकाल लिया वहां पे उत्तरकाशी की एक टनल में फोर्टी वन के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन सेवनटीन डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि कि काम हो रहा था कि उन लोगों की बचाई जाए जाए और और उनको निकाला और आज जो है, आ, जो है है ये अच्छी खबर वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया बड़ा लंबा प्रोसीजर था इक्विपमेंट फैसिलिटीज है जो इंडिया में जो चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एज ए गवर्नमेंट एज ए ने जा रहे हैं वो हम चीजें नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो आज जिस लेवल पे रिसर्च चली गई से लोग तो शायद उम्मीद भी हो गए होंगे लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए पॉजिटिव सोचना चाहिए तो बिल्कुल हमने देखा तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया जिंदा निकाल लिया गया और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे जय हिंद दोस्तों फाइनली आज 41 मजदूरों को जो है टनल से बाहर निकाल लिया गया है जो कि सत्रह दिनों के बाद आज जो है टनल से बाहर निकले थे मजदूर जो फंसे हुए थे सत्रह दिन से काम के दौरान टनल के अंदर आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं भारत के अंदर कई जगहों पे हो चुकी हैं जिसमें लोग फंसे हुए थे बहुत ही कम ही लोगों जो है वहाँ पे बच पाए थे लेकिन इस बार तो फ़िलहाल किसी का भी जान नहीं गया पूरे इकतालीस मजदूर जो है टनल से बाहर निकले सबकी जान अच्छी तरीके से बचाया गया लेकिन बात करेंगे वही पुराने जैसे कि पहले लोग भी बहुत सारे जगहों पर फंसे थे लेकिन कितने लोगों की जान भी चली गई थी लेकिन उस समय जो है कोई भी प्रधानमंत्री या चाहे कोई भी बड़ा मंत्री जो है उनके परिवार वालों से अपने दोस्तों से खुशी से भी नहीं मिले थे लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी हार हारने पर भी मिलने जाते हैं और जीतने पर भी जो है हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं जिस तरीके से वर्ल्ड कप हारने के बाद जो सभी भारतीय क्रिकेटरों से नरेंद्र मोदी जी मिले थे उनका हौसला बढ़ाया तो उसी तरीके से जो है टनल से बाहर निकलने के बाद इकतालीस मज़दूरों से जो है नरेंद्र मोदी जी बात किए और उन्हें सराहना दी और उन्हें बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद भी दी। उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जाने बचाई जो कि एक बहुत बड़ा काम है तो, आग... तो, तो पहले उत्तराखंड वाला मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ था पूरे देश में इकतालीस श्रमिक हमारे फंसे हुए थे कई सरकारें लगी रही कई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लगी रही लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी विफल हुई वहां पर हमने देखा कि लोग काम है इंसान काम है कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप देखिए ऐसा होता है ना प्रेम ये फौज में भी हमें यही बताते हैं कि द वेपन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द द वेपन दे वेपन इज मोर इंपॉर्टेंट वेपन। यानी कि हथियार आवश्यक होता है लेकिन जो हथियार चला रहा है वो हथियार से ज्यादा आवश्यक होता है तो यहां पे अमेरिका से ड्रिल मशीन आई बोला फिर थाईलैंड से जो माइनर्स हैं जिन्होंने माइन में रेस्क्यू करा था उन लोगों को बुलाओ सबको बुलाओ यहां बुलाओ इसको पकड़ो ये पकड़ो लेकिन एंड में क्या हुआ जो राइट माइनर्स हैं रैट माइनर्स कामयाब हुए रैट माइनर्स क्या होते हैं आज वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बोल दिया कि इलीगल है लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे बड़े सॉफ्ट होता है कोल हार्ड कोल नहीं होता जहाँ पे इतनी जगह नहीं होती वहाँ पे छोटी सी एक सुरंग बना के जो पतले दुबले किस्म के लोग होते हैं उनको वहाँ पर डाला जाता है कि आप वहाँ से कोयला खोद के बाहर निकालिए तो एक पैरल चैनल बनाते हैं वहाँ से कोयला पीछे भेजते हैं इस पूरे प्रक्रिया को रैट माइनिंग बोलते हैं जो कि डेंजरस होती है काफ़ी खतरनाक होती है तो वो जो ड्रिल मशीन थी ना वहाँ पर वो टूट गई और इसलिए टूट गई सामने कंक्रीट था वहां पे वहां पे मेटल के यानी कि स्टील और आयरन के बार्स थे तो उसमें लग के ड्रिल मशीन टूट गई अंत में क्या हुआ मुझे लगता है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा और वहां पर हम देख सकते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन साहब वो रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या मामला है वहां पे क्योंकि साइट पे तो कोई भी कुछ बोल देगा लेकिन असली ब्रीफिंग जनरल हसनैन ने दी यू नो फॉर द द कंट्री कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ उन्होंने रोज रोज और रो टेलीविजन पे आके ब्रीफिंग देते थे लोगों को क्या करते हैं भाई आप uh, हम मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं अच्छा फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब वो जा रहे हैं यूएई यूएई में UAE में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए सवाल ये है कि ज्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा दुनिया के दूसरे कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं

इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं एजुकेशन हो गया बेसिक जो जितनी भी चीजें होती है तो जब अपने बच्चों या 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 पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है हमारा सिस्टम देखा एजुकेशन का सिस्टम देखे हेल्थ का देखे हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं तो बड़े बड़े हमने क्या बन जाते हैं सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं बस बड़े हो जाते हैं मतलब उस अवेयरनेस नहीं है ऐसा कुछ नहीं बाइक आपकी ये बाइक मेरी है ये आपने मोडिफाइड करवाई है मतलब ये ऐसा ही है छब्बीस हजार का लिया था पिछले साल रमजान में और बत्तीस हजार लगाइए छब्बीस और जो ये के, आ, सेवन, आ, फिक्ष्टी फिक्ष्टी आ, के हाँ। ये हो जाता है तो क्या ये समझते हैं कि दूसरे अगर हम कंट्रीज की बात करें ये ही सेम बाइक कितने में मिलेगी आ, मेंगी। मेंगी मिलेगी महंगी महंगी आपने करवाया इसलिए जो सस्ती मिल गई या पाकिस्तान है He's he's so, इसीलिए वो सबको बता रहे थे फिर जनरल वीके सिंह ने इसको मॉनिटर करा धामी साहब है चीफ मिनिस्टर he was there. तो सब लोगों ने मिलजुल इकतालीस बंदो एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको उनके परिवार को यार कि मैं समझ सकता हूँ ना कि कैसे उनके दिल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बैठ गए होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फंसा हुआ है किस हाल में होगा लेकिन जब आ, मेरी मेरी बात भी हुई थी जनरल हस्टैन सर से मैंने बोला था कि सर थोड़े से चिंतित हैं तो गौरव टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन हम निकाल लेंगे उनको दिवाली का भी त्यौहार वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए तो, आ, कल ऐसा लगा मानो कि दिवाली ही मन रही हाँ, है। ज जब परिवार वाले साथ हैं तब दिवाली दिवाली कोई देखिए दिवाली इमोशन है ना दिवाली थोड़ा ना कि इस तारीख को दिवाली होगी ऐसे दिवाली होगी जब चार लोग मिल जाए चार दोस्त मिल जाए उस दिन दिवाली उनकी दिवाली कल हो गई तो बड़ा अच्छा लगा मैं इनफैक्ट मुझे तब पता लगा मुझे पता नहीं था मैं प्रेमियर पर बैठा था वो मूवी है ना सैमबाहादुर तो सैम बहादुर मूवी आई थी तो मैं उसके प्रेमियर पे बैठा था इंडियन आर्मी हेट ऑर्गेनाइज्ड चाणक्य में तो मैं गया था तो हमें इनविटेशन था वो सैम बहादुर का तो मैं देखने फिल्म गया बड़ी जबरदस्त मूवी है तो जब मैं उसके लिए गया तब बीच में मुझे वहां पर बुजुर्ग जनरल साहब बैठे थे सीनियर वेटरन तो मेनी मेनी टनल से निकलने के बाद 41 मजदूरों की आंखों में जो है वो खुशी के आंसू जो देखे आप बिल्कुल चकित रह गए होंगे क्योंकि आपने न्यूज पे भी देखा होगा किस तरीके से इकतालीस मजदूर कितने खुश थे जब वो चौ सत्रह दिन के बाद जो है टनल से बाहर निकले क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा जो है जिंदगी से जीवन दान से उन्हें मिला क्योंकि वो सत्रह दिन से उस टनल के अंदर बैठे थे तो सोचिए कि कितनी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया होगा जो इकतालीस मजदूर जो टनल के अंदर काम के दौरान जो उत्तराखंड में फंसे हुए थे टनल में सोच सकते हैं इस बात को आप जब वो सत्रह दिन के बाहर निकले तब उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा अपने परिवार वालों से मिले उनके परिवार वाले कितने खुश होंगे कितने नसीब वाले होंगे कि वो लोग टनल से बाहर निकले वही बात करेंगे अपने नरेंद्र मोदी जी की तो नरेंद्र मोदी जी ने इकतालीस मज़दूरों से टनल से बाहर निकलने के बाद उनसे मिली उनके मिले उनसे सराहना की उन्हें जो है साहसी जो है बढ़ाने के लिए साहस बढ़ाने के लिए बात कही नरेंद्र मोदी जी में एक बात तो खासियत है क्योंकि जब कोई हारता है तभी नरेंद्र मोदी जी उसका हौसला बढ़ाते हैं कोई जीतता है तभी मतलब उसके साथ सराहनीय का भावना रखते हैं आपने देखा भी होगा कि अभी रिसेंटली में वर्ल्ड कप इंडिया ने हार चुका था ऑस्ट्रेलिया से उस समय भी नरेंद्र मोदी जी, जी जो है मोहम्मद शामी से विराट कोहली से रोहित शर्मा से सभी इंडियन के प्लेयर से जो है मिले थे और उन्हें शवासी भी दी थी कि जिंदगी में तो हार जीत लगी रहती है आपको हारना नहीं है और भी आगे जाना है और आज का दिन है कि 41 मज़दूरों से भी मिले